आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज एनसीसी की थर्ड बटालियन का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर में एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में एनसीसी बटालियन के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि 72वें स्थापना दिवस की शुरुआत में स्वच्छता अभियान को महत्व दिया गया। हम आपको बता दें कि आज सुबह शहर के विवेकानंद पार्क से एक रैली निकालकर एनसीसी कैडेट एवं अधिकारियों ने टीआरएस चौराहा होते हुए शिल्पी प्लाजा व अमहिया का भ्रमण किया है। रैली का मुख्य उद्देश्य जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक करना था। इस जागरूकता रैली के समापन के बाद कैडेट्स ने रक्तदान किया है, जिसमें संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने भी हिस्सा लिया है। 3MB बटालियन एनसीसी रीवा, आज हम 72वां ये इसका वर्षगांठ एनसीसी की हम मना रहे हैं, और यहाँ पर इस दौरान आज हम सुबह से ही एक हमने कोरोना के प्रति बचाव, उसका उपचार और लोगों में मास्क का वितरण सुबह से अब यहाँ बटालियन से लेकर सिरमौर चौराहा में एक रैली निकाली थी, जिसमें लोगों को इसके प्रति क्या हिदायतें हैं, क्या करना है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। और इसी अभियान के तहत हमने एक नारा है कि स्वच्छ भारत रहे, उसके प्रति हमने पार्क की साफ सफाई भी आयोजित किया गया था एनसीसी कैडेटों द्वारा। इसके तहत हमने कोरोना के प्रति ही इसका एक थीम लेकर हमने एक ड्राइंग और पेंटिंग का भी कंपटीशन कैडेटों के साथ यहीं बटालियन के लेवल में हमने आयोजित किया गया था। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी इसी दौरान अभी हमारे हॉल में, इंफॉर्मेशन हॉल में रक्तदान की प्रक्रिया शुरू है। काफ़ी एनसीसी कैडेट्स जो अपने वॉलंटियर होकर रक्त देने के लिए आ रखे हैं, संजय गांधी अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है और रक्तदान का कार्य चल रहा है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है।